सारी डिटेल्स लेके रखिएगा दीवान जी। हाँ जी सर। अब ये क्या हसीना मलिक, क्या चाहती हैं आप? मतलब इतना कुछ हो गया उसके बाद भी तसल्ली नहीं हुई आपको? क्या क्या, मेरी इतनी पर्सनल वीडियो वायरल करके और उस वो मंत्री के टंटे का बदला लेने के बाद भी आपको तसल्ली नहीं हुई जो इतनी हल्की हरकतों पे उतर आई हैं आप, हाथापाई पे उतर आई हैं? देखिए प्लीज आप बकवास करना बंद कीजिए। वो जो वीडियो लीक हुआ है वो गलती की वजह से हुआ है, वो हमने किया भी नहीं। और यहाँ पर हम आपसे आकर नहीं टकराए, आप हमसे टकराए। सॉरी मैडम, इस बार सबने देखा है। देखिए आप एक आदमी कह रहा है, यही कि आपने जानबूझकर हमारे सर को धक्का मारा। हाँ हाँ, औरतें ऐसी हरकतें अक्सर करती है, जिनसे खुंदक खाती है ना, उन्हें कुछ ना कुछ तो मारती है, जैसे बेलन, ताना या धक्का। वाह वाह, मतलब बात कहीं से भी शुरू हो, बीच में अपनी औरत मर्द वाली मानसिकता जरूर घुसाइए आप। अरे घुसी तो हसीना मैडम है जबरदस्ती, वो भी सामने से, और हम कहाँ औरत मर्द की मानसिकता को घुसा रहे हैं। ये बवाल तो आप लोगों ने खड़ा किया है, नारी अत्याचार, नारी अधिकार, उनकी दुहाई दे दे के मर्द जात का जीना मुश्किल कर दिया आप लोगों ने। अरे जीना तो हमारा मुश्किल हो गया है जब से आप इस थाने में आए हैं। हाँ तो इस बार भी हमेशा की तरह प्रूव कर देंगे कि गलती औरत की है। आपकी बार आप साबित कर ही दीजिए, दिखाई। हाँ तो करेंगे ना। आप कीजिए कीजिए। एक सेकंड मैडम प्लीज, आप जैसे आई थी वैसे ही आइए, और सर जैसे आप बाहर जा रहे थे वैसे जाइए। हाँ दीवान जी प्लीज, इज्जत का सवाल है, प्रूव तो करना पड़ेगा। देखिए देखिए दीवाना जी, दीवान जी। हाँ हाँ दीवान जी, हमारा पर्सनल लेवल पर ऐसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि पूरा घटना का ना एकदम ऐसे नाटकीय रूपांतर करते हैं। तो आप बन जाइए अमर सर, और मैडम सर बन जाती है पुष्पा जी। नहीं नहीं नहीं, अरे इनसे नहीं होगा, करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए, इनका पर्सनल पूजा है, अभिनय बरसाने से पहले करती हैं। चलिए चलिए, हाँ शुरू करते हैं। एक दो तीन। देखा 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 आप लोगों ने, कैसे ये रुक गई। वैसे ही हसीना मैडम रुक सकती थी, लेकिन नहीं रुकी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जानबूझकर हमारे सर जी को धक्का मारा। अब सबकी बकवास अगर खत्म हो गई हो तो हम केस पर ध्यान दें, वो केस जिससे हमारी जीत और हार मुनस्सर है। आप लोगों को केस सॉल्व करना है तो करिए, क्योंकि हमारे सर तो केस कब का सॉल्व करके बैठे हैं। तो हम भी कोई खाली हाथ नहीं बैठे, हम भी केस सॉल्व कर चुके हैं। पूजा के असली गुनेगार ये तो मिस्टर कोच, अब आप सारी असलियत खुद उगलेंगे या करिश्मा सिंह से कहें कि अपने तरीके से उगलवाएं? देखिए चुप रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपका बैंक का स्टेटमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ ठीक उसी दिन आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे, और इतना सबूत काफी है आपको जेल पहुंचाने के लिए। पता उस दिन हादसे वाले दिन आप जानबूझकर पूजा को थोड़ा 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 करके सरका के उस जगह पे लाके खड़ा कर रहे थे जहाँ पे निशाने वाले का निशाना सीधा सटीक उस पे जाके लगता। मैडम सर, ये उस नंबर की डिटेल्स है जिस नंबर से इन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे पूजा को शिफ्ट करने के, और ये नंबर चोरी का है। बकोगे या अपने तरीका से निकलवाए हम? मैडम जी प्लीज, ये सब कुछ मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और सच सच बताऊंगा। उस दिन मैं कोचिंग खत्म करके बस जाने की तैयारी ही कर रहा था कि एक खिलौना आकर टकराया, और उसमें एक लेटर रखा था। उस लेटर में ये लिखा था कि प्रैक्टिस के दौरान अगर मैंने पूजा को एक पर्टिकुलर जगह पर खड़ा कर दिया तो मुझे उसके बदले में पूरे 3 लाख रुपए मिलेंगे, और वो पर्टिकुलर जगह कहाँ होगी उसका इंस्ट्रक्शन मुझे फोन पर ही दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि रुक्मणी के थीम को भी उसी ने बदलवाया था, और लेटर को फाड़ने के बाद जलाने के इंस्ट्रक्शन भी मुझे उसी लेटर के जरिए दिया गया था, ताकि उसे ये संकेत मिल जाता कि मुझे उसकी ये डील मंजूर थी। वाह क्या बात है, मतलब ऐसे केस सॉल्व किया आपने, अभी तक सिर्फ गोल गोल अंडा, ना ही गुनेगार का पता ना ही मोटिव का। अब मेरी बारी, मैं आपको बताता हूँ केस कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मेरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इस मामले में ना कोई स्टाफ का ही आदमी शामिल है, इसलिए मैंने वहाँ के कारपेंटर जिसने टारगेट बोर्ड बनाया था और वहाँ के पेंटर दोनों को बुलवा लिया। अब वही बताएंगे कि असली मुजरिम कौन है। खेल खत्म, पैसा हजम।
बताइए ना दीवान जी, वो पेंटर और कारपेंटर से क्या बातचीत हुई? सर हुई तो है पर क्या? सेम सेम। क्या सेम सेम? सेम सेम नहीं सर, सेम सेम मतलब जो उनके साथ हुआ वही उन दोनों के साथ भी हुआ। मतलब सर मैंने उन दोनों को बहुत कूटा, बहुत मारा, लेकिन उन दोनों का यही कहना है कि उन्हें भी लेटर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस मिले थे और उन दोनों को नहीं पता कि ये लेटर किसने भेजा उन्हें। दीवान जी मतलब क्या है इस बात का? सर मतलब तो एक ही है कि ना मुजरिम का पता चला ना मोटिव का, यहां भी गोल गोल अंडा ही है सर। सर कभी कभार मैं आपको समझ नहीं पाता हूँ, कहाँ आप केस की जांच पड़ताल छोड़ के हाथी घोड़ों के पीछे लग गए। इस शतरंज खेल की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या होती है दीवान जी? इसमें जो खिलाड़ी चाल चल रहा होता है उसके आगे की तीन चाल वो ऑलरेडी अपने दिमाग में चल चुका होता है। आपको उसके दिमाग को रीड करके अपनी अगली चाल तय करनी होती है। इस खेल में दिखाया कुछ जाता है, उसके पीछे का इंटेंशन कुछ और होता है और फाइनली हमें पता चलता है कि गेम तो कुछ और ही चल रही है। दीवान जी आपको नहीं लगता कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? हमें दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ और रहा है और गेम कुछ और ही चल रही है। मैं कुछ समझा नहीं सर। दीवान जी ये केस सिर्फ एक ही सवाल पर टिका है, जिस दिन उस सवाल का जवाब मिल गया असली हमलावर खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएगा। और सर क्या है वो सवाल? मोटिव। कहानी कुछ ऐसी है कि रुक्मणी एक बहुत ही गरीब परिवार से है जिसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है और उसने जो कुछ भी किया है वो अपने दम पर किया है। बहुत ही उमदा कमाल की निशानेबाज है। रुक्मणी पर ये इल्जाम लगाया गया है कि उसने जानबूझकर प्रैक्टिस के दौरान लाइट जाने का बहाना करके अपनी कॉम्पिटिटर पूजा को जख्मी कर दिया ताकि पूजा इस कॉम्पिटिशन से निकल जाए, रुक्मणी का रास्ता साफ हो जाए और वो सिलेक्शन में फाइनल हो जाए। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट ये आ चुका है कि पूजा का लगाया हुआ इल्जाम अब उसी को भारी पड़ रहा है क्योंकि फेडरेशन ने डिसाइड किया है उसे डिस्क्वालिफाई करने के लिए। मतलब इन दोनों के ख्वाब तो ख्वाब ही रह गए। तो अब सोचने वाली बात ये है कि पूजा को इंजर्ड करके सबसे ज्यादा फायदा किसका है? रुक्मणी नहीं, वो तो ऑलरेडी इस केस के इल्जाम में इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुकी है और पूजा फिजिकली इंजर्ड है इसलिए वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगी। तो बचा कौन? बचा वो खिलाड़ी जिसका इन दोनों खिलाड़ियों को इस कंपटीशन से आउट करके सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था। तो आपका कहने का मतलब ये है मैडम सर, ये मामला बचपन में चूरन से निकले उस स्टिकर की तरह है जिसे सीधा देखो तो कुछ और उल्टा देखो तो कुछ और नजर आता है। मतलब ये जो तस्वीर हम अभी देख रहे हैं इसे उल्टा करके देखे तो दूसरा पहलू ये है कि पूजा और पूजा के पिताश्री ने जानबूझ के प्रपंच रचा ताकि पूजा अपने आप को जख्मी कर ले और रुक्मणी पे आरोप लगा के रुक्मणी को इस पूरे प्रतियोगिता से ही आउट कर दे। इस बात में दम है, लेकिन अगर रुक्मणी को ऐसा करना ही था तो वो पहली बात पूजा को सिर्फ हाथ पर घायल क्यों करती? वो कहीं और घायल कर देती जिससे उससे ज्यादा चोट लगती। और दूसरी बात ये, वो ऐसा काम इतना ऑब्वियस तरीके से पब्लिकली क्यों करेगी? कहीं और करती तो उसका काम हो भी जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। पूजा के पिताश्री जो है ना मैडम सर, वो बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा नाटक करने में वो बिल्कुल सक्षम है। मैडम सर बात में दम है, आप क्या बोलती हैं? हम इस अभिजीत का कुंडली निकाले क्या? टटोलते हैं, इसके पीछे लगते हैं अभी, बताइए। लगना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी सोची हुई थ्योरी अगर थोड़ी सी भी करेक्ट है तो अभिजीत ही है जिसके जरिए हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। अभिजीत को अच्छे से इंटरोगेट करना ही होगा। मैंने पता कर लिया है सर। सर इस कॉम्पिटिशन में कुल मिला के तीन लड़कियां सिलेक्ट हुई, पहली और दूसरी तो पूजा और रुक्मणी है सर, तीसरी लड़की का नाम है रीमा। तो चलिए दीवान जी मिलते हैं रीमा से। यस सर। ये सर पता नहीं कब तक आएंगी पुष्पा जी, सुबह से पीछा करते करते भूख के कारण आंख सूख गया हमारा संतू जी।
प्लीज मैडम यहाँ पे हल्ला मत कीजिए, आगे जाइए। भैया उठो भैया, चलो भैया। भैया हेलो मैडम सर, आप कहाँ हो, कब तक पहुँचेंगे यहाँ पे? आपने जैसे कहा था हम अभिजीत का पीछा कर रहे हैं, यूएफडी बैंक में, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, तुम लोग नजर रखो, हम बस पहुँच ही रहे हैं। तो गड़बड़ जरूर है, अभी ना बैंक के अंदर अभिजीत ने 1,00,000 नकद निकाले। क्या 1,00,000? 1,00,000 निकाले मैडम सर नकद? हाँ वही 1,00,000। पुष्पा जी आप रहने तो आपसे नहीं हो रहा, तो एक सेकंड पर 7,00,000 एक साथ, उसे ऐसे जरूरत क्या पड़ गई कैश की? वही तो। ओके करिश्मा सिंह, हमें अभिजीत के पीछे जाना होगा, आप तीनों वापस महिला पुलिस थाने जाइए, ऑपोजिट टीम को पता नहीं चलना चाहिए कि हम केस ऑलमोस्ट सॉल्व करने वाले। जी जी मैम। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। आप मुझे बताएंगे कि रुक्मणी ने पूजा पर शूट क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि वो उसकी बेस्ट कॉम्पिटिटर थी और वो नहीं चाहती थी कि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सके? नहीं सर, रुक्मणी ऐसी लड़की नहीं है, वो जितने अच्छे आर्चर है ना उतनी अच्छी इंसान भी है, वो ऐसा कुछ भी करने का नहीं सोच सकती। अच्छा अब आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे पापा नहीं है, हाँ मदर है जो गवर्नमेंट ऑफिसर है। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। ठीक है आप जाइए। क्या लगता है दीवान जी, एक क्लर्क की जॉब करने वाली मिडिल क्लास फैमिली की औरत की बेटी के पास इतना पैसा होगा कि वो किसी को हायर करे और ये सब प्लानिंग करे? नहीं सर, लगता नहीं है। दीवान जी मुझे इस फेडरेशन के हर इंसान से बात करनी है। लंका तो किसी घर के भेदी ने ढाई है, कोई तो घर का ही बंदा है। क्या भैया, ईमानदारी का रोटी छोड़ के बेमाने का बोटी खा रहे हो, शर्म नहीं आता है तुमको? हाँ वो क्या इंसान तुमको कितना पैसा देके गया बताओगे हमको, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ाएंगे धोखाधड़ी के केस में। नहीं 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 मैडम, वो अपने साहब है ना अबजी साहब, वो चेयरमैन साहब से मिलना चाहते थे। क्यों मिलना चाहते थे? वो 7,00,000 रुपए देने के लिए। किस बात के 7,00,000? अबजी साहब की लड़की फाइनल राउंड में है ना, और चेयरमैन साहब फाइनल राउंड के हेड है, तो आप समझ सकती है कि 7,00,000 रुपए किस लिए। मुझे तो बस अभिजीत साहब का यह ऑफर चेयरमैन साहब तक पहुंचाना था और दोनों की मीटिंग कराना था, इसके लिए कुछ पैसे अभिजीत साहब ने मुझे दे दिए। ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम ये बात जानते हैं। अच्छा सुनो, अब तुम्हें क्या करना है वो सुनो, सबसे पहले ये चलो जाओ जाओ जाओ। करिश्मा सिंह जी, इससे एक बात का तो पता चली गया है कि अभिजीत अपनी बेटी का सिलेक्शन करवाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लोगों को 7,00,000 रुपए दे रहा है, आदमी खरीद रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अभिजीत ने ही ये पूरा प्रपंच किया हो, ये पूरी साजिश रचाई हो और पूजा उसका साथ दे रही हो, अंधेरे का फायदा उठाकर उसने खुद को जख्मी कर लिया ताकि सारा इल्जाम रुक्मणी पर आ जाए। हो सकता है ये हो, पर ये भी एक संभावना ही है मैडम सर, जब तक सच का पता नहीं चलता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए फिर सच का पता लगाते हैं। चलिए दीवान जी, आपके हिसाब से घटना वाले दिन वहां 39 लोग मौजूद थे, 6 प्लेयर्स, एक कोच, एक इलेक्ट्रिशियन, 2 वर्कर, चेयरमैन और बाकी प्लेयर्स के पेरेंट्स, जिसमें अभिजीत भी एक था। जी सर। सर एक कॉल आ रहा है। हेलो। अच्छा ओके ओके सर, अभी अभी बने खबरी नेटवर्क से पता लगा है कि हसीना मैडम भी अभिजीत के पीछे है, और अभिजीत ने बैंक से 7,00,000 रुपए निकलवाए और चेयरमैन से मिलने की फिराक में है। सर यहाँ तक कि चेयरमैन के गार्ड्स को भी रिश्वत खिलाई गई है, 5:00 का जुगाड़ हुआ है चेयरमैन से मिलने का। अलर्ट अलार्म दीवान जी, ये हमारे कॉम्पिटिटर तो कुछ ज्यादा स्पीड में है, हमें भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी नहीं तो हमसे पहले ये केस सॉल्व कर लेंगे। जी सर। दीवान जी क्या बताया आपने, ये
कब मिलने वाले हैं ये अभिजीत और चेयरमैन? 5 बजे सर। 5 बजे। मैडम जी, आपने जो माइक दिया था उसे मैंने चेयरमैन साहब के ऑफिस में लगा दिया है। ओके, वेरी गुड। मीटिंग फिक्स हो गई? हाँ मैडम। ठीक, गुड। देखिए चेयरमैन साहब, पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चल जाता आप रुक्मणी को डिस्क्वालीफाइड नहीं कर सकते। ये कानून गलत है, बेचारी का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो उसे पूजा पे हमला करने से पहले सोचना चाहिए था। हमारे फेडरेशन के भी कुछ नियम और कायदे हैं, उसी का पालन हो रहा है। जब तक पुलिस उसे कानूनन क्लीन चिट नहीं दे देती तब तक उसके अभ्यास पे अंकुश रहेगा। अजीब आदमी है आप। हमें जरूरत है आज रुक्मणी जैसे टैलेंट की जो विश्व स्तर पर हमारे देश का नाम लेकर जाए, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम रोशन करे। और आप है कि अपने घटिया रूल्स एंड रेगुलेशन से चिपके बैठे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से हम मेडल नहीं ला पाते क्योंकि रुक्मणी जैसे टैलेंट यही आपके इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के चक्र में फंसकर दम तोड़ देते हैं। आपको 15 दिन का वक्त देना चाहिए था ताकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी अच्छे से हो सके और रुक्मणी जैसे टैलेंटेड प्लेयर का करियर भी बर्बाद ना हो सके। 15 दिन का वक्त मांग रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए? कोई लीड नहीं मिला होगा ना मैडम सर इसलिए। तो आ गया चेयरमैन साहब से मिलना है, फ्री हुए वो? नहीं नहीं, चेयरमैन साहब तो अभी भी मीटिंग में बिजी हैं। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं गाड़ी में हूँ। जी देखिए, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं इंसान की हैसियत नहीं उसकी वाइब देखकर बात करता हूँ मिस्टर चेयरमैन। एंड सॉरी टू से, आपकी वाइब ना बहुत ही नेगेटिव और विलनिश है। कहने का क्या मतलब? मैं विलन हूँ? मतलब फेडरेशन के सारे रूल्स फॉलो किए तो मैं विलन हो गया? यही तो हमारी ट्रेजडी है सर। जिस इंसान को जिस फील्ड की नॉलेज नहीं है उसे वहां के सबसे बड़ी पोस्ट पर बिठाया हुआ है। एंड आई एम श्योर आपने खुद तो लाइफ में कभी तीर कमान को उठा के देखा तक नहीं होगा और जज कर रहे हैं उस टैलेंटेड प्लेयर का करियर। समझ क्या रखा है आपने मुझे ऑफिसर? कोटा कोटा खेल कर पहुंचा हूं, नेशनल चैंपियन रहा हूं तीरंदाजी में। अरे छोड़िए सर, बहुत देखे ऐसे हवाई किले। जंगल में मोर नाचा देखा किसने? आपने बोला और मैंने मान लिया? अरे अपने दावे पर इतना यकीन है ना तो उतरिए मैदान में, प्रूव करिए कि कितने बड़े तीरंदाज हैं आप। एक बात बोलूं आपको, अरे आपसे अच्छी तीरंदाजी तो मेरे जैसा नौसिखिया भी कर लेगा। हिम्मत, उतरिए मैदान में, खुला चैलेंज। आपकी बारी चेयरमैन सर। पर सर ये तो बराबरी का मुकाबला हुआ ना, ना कोई जीता ना कोई हारा, ये तो टाई हुआ। अरे दीवान जी, अभी हमारे हुनर के तरकश में और भी तीर बाकी है। अभी हम अपनी आंखों में पट्टी बांधेंगे फिर निशाना लगाएंगे। क्यों चेयरमैन सर, आप ऐसा कर सकते हैं? ये तो बच्चों के खेलने की चीज है, ऐसा क्या जो हम नहीं कर सकते। जाइए काली पट्टी लेके आइए आंखों में बांधने के लिए। अब तो आपको शक नहीं ना हमारी काबिलियत पर। चलिए अब आपकी बारी, देखते हैं किसमें कितना है हुनर। हुआ आने का काम नहीं है तीरंदाजी दरोगा जी, सालों का अनुभव और घिसाई करनी पड़ती है इस कला में पारंगत होने के लिए। दोबारा ये कहने से पहले कि फेडरेशन को कैसे चलाते हैं, जाइए पहले सीख के आइए कि किससे कैसे बात करते हैं। चलिए कुमार जी।
बहुत बढ़िया संतोष शर्मा, चीता से कही कि उन दोनों को लेकर फौरन थाने आ जाए। हाँ चलिए, फाइनली ये केस सॉल्व हो ही गया। ऐसा आपको लगता है सीना जी, झूठ की यही सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, वो सच का ही रिफ्लेक्शन लगता है, और हम उसी को सच समझकर झूठ की भूल भुलैया में भटकते रहते हैं बस। अच्छा, और आपके इस ओवर द टॉप एक्स्ट्रा फिलॉसफी की वजह? बस यही कि सच के अपने अपने वर्जन होते हैं सीना जी, एंड आई एम श्योर आपको जो लगता है इस केस में वो सच नहीं है। और आपको क्या पता कि हमें क्या लगता है? हसीना जी, वर्जन चाहे कितने भी हों सच के, लेकिन सच तो एक ही होगा ना। और अगर सच वो है जो मैं जानता हूँ हसीना जी, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास तो सच का पायरेटेड वर्जन ही होगा ना।